हेलो एवरीवन, काफ़ी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है जब वो यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं सो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि बेसिकली आपको यूजीसी नेट पेपर वन के लिए कौन कौन सी बुक्स रेफ़र करनी है, वो कौन कौन से यूनिट्स को अच्छे से प्रिपेयर करें और कौन कौन से यूनिट्स को स्किप कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सो आप पेपर वन के लिए कौन कौन सी बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं, कौन कौन से यूनिट्स को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है और कौन कौन से यूनिट्स को आप स्किप कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई एम हिमांशु गुप्ता एंड आई विल बी योर मेंटर फॉर यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट एंड एचआरएम फॉर दिसंबर 2019 अटेम्प्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर अपडेट्स रिलेटेड टू यूजीसी नेट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो देखिए, बेसिकली हम पहले पेपर वन के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। सो देखिए, आपके अगर हम यूजीसी नेट एग्जाम की बात करें सो यहाँ पे टोटल 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और इनके होते हैं 2 मार्क्स ईच, जिसके अंदर से 50 क्वेश्चंस होते हैं आपके पेपर वन के और 100 क्वेश्चंस होते हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो बेसिकली आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है। सो देखिए, पेपर वन बेसिकली एक जनरल पेपर होता है जिसके अंदर से टीचिंग एंड रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और इसके अंदर टोटल 10 यूनिट्स होते हैं। सो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इन टोटल 10 यूनिट्स के अंदर से आप कौन कौन से यूनिट्स को अच्छे से प्रिपेयर करें और हर एक यूनिट के अंदर से आप कौन कौन से टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। और देखिए, बेसिकली जून 2019 के अटेम्प्ट से यूजीसी नेट का सिलेबस चेंज कर दिया गया, इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस की गई हैं। सो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं और नए पैटर्न और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आप कैसे यूजीसी नेट पेपर वन को प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, ये है मेरे पास यूजीसी नेट जून 2019 से एप्लीकेबल होने वाला सिलेबस। सो हम इस सिलेबस के थ्रू ही चलेंगे कि आप कौन कौन से यूनिट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं और आपको हर एक यूनिट के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है। और इस वीडियो के अंदर हम ये भी देखेंगे कि बेसिकली जून 2019 में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी दिसंबर 2019 की स्ट्रेटजी बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहला यूनिट है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। देखिए, अगर हम टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो देखिए यहाँ पे इस यूनिट से पास्ट ईयर पेपर काफ़ी ज़्यादा रिपीट किए जाते हैं। सो अगर आप इस यूनिट के अंदर पास्ट ईयर पेपर को काफ़ी अच्छे से करके जाते हैं सो यहाँ पे आपके 3 to 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ टोटल 5 क्वेश्चंस, जो बेसिकली हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर जो टोटल 5 क्वेश्चंस हैं इसके अंदर से आपके 3 to 4 क्वेश्चंस कंप्लीटली कवर हो जाते हैं फ्रॉम द पास्ट ईयर पेपर्स। सो अगर इस यूनिट के लिए आप पास्ट ईयर पेपर्स को रेफर करते हैं सो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। बट देखिए, पास्ट ईयर पेपर के लिए आप गाइड बुक्स यूज कर सकते हैं, बट गाइड बुक के साथ प्रॉब्लम ये है कि गाइड बुक्स के अंदर कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स गलत भी गिवन है। सो आप इसके लिए गाइड बुक्स यूज करिए, बट इसके लिए आप करेक्ट आंसर उसको आइडेंटिफाई कीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, देखिए, अगर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है सो आप एज अ टीचर अपने आप को एज्यूम कीजिए, आप उस क्वेश्चन को ईजिली आंसर कर पाएंगे। नाउ चलिए सेकेंड यूनिट पे आते हैं, जो कि है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड। सो अगर हम रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करें सो देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से। और अगर आप यूजीसी नेट क्लियर करके लेक्चरारशिप में जाना चाहते हैं या पीएचडी परस्यू करना चाहते हैं सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको बहुत अच्छे से करके जाइए। देखिए, अभी जो यूजीसी के नई रेगुलेशंस आ रही हैं तो उसके अंदर ये भी कहा जा रहा है कि बेसिकली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो नेक्स्ट सेशन से पीएचडी के लिए एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाएंगी, जिसके अंदर 50% जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड होंगे। सो ये जो यूनिट है आपकी वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से। इस यूनिट को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपके स्टैटिस्टिक्स के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। और इसके बाद देखिए, इसके अंदर ये भी देखा गया है कि इसमें पास्ट ईयर पेपर के क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट किए जाते हैं। इसके अंदर आपके टाइप ऑफ रिसर्च, हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड सैंपलिंग से इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसमें आप टाइप ऑफ टेस्ट के क्वेश्चन, बेसिकली काई स्क्वायर टेस्ट जो होता है, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, एफ टेस्ट, इन सब से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और अगर हम इसके अंदर डेप्थ पोर्शन की बात करें सो इसके अंदर आपसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, इनसे इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी आपसे पूछ ली जाती हैं। सो आप इसको भी काफी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ये वाली यूनिट अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हैं सो जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं बेसिकली उनका एक जो स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है, एक स्पेसिफिक यूनिट है उनकी, उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल होगी, वो यूनिट आपकी काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगी। सो अगर आप रिसर्च एप्टीट्यूड को अच्छे से कवर करते हैं सो आपके पेपर वन प्लस पेपर टू मिला के टोटल 10 क्वेश्चंस प्रिपेयर हो रहे हैं यहाँ पे।
नाउ अगर हम थर्ड यूनिट की बात करें जो कि है आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, सो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए अटेम्प्ट के लिए बेसिक्स आपकी वोकैब स्ट्रांग होनी चाहिए। सो आपने अगर कभी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपेयर किया होगा सो उसके अंदर इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो अगर आप उनको अच्छे से समझ रहे हैं, आपकी वोकैब स्ट्रांग है, सो आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को काफ़ी अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को अटेम्प्ट करने की एक स्ट्रेटजी है, बेसिकली देखिए आप सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को जब स्टार्ट कर रहे हैं सो सबसे पहले आप उसके क्वेश्चंस को देखिए, आप उस क्वेश्चंस को देखिए और जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको मार्क कर लीजिए, और उसके बाद जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के अंदर आपको पैसेज गिवन है उसको आप पढ़िए। देखिए आप उस पैसेज को पढ़ेंगे सो आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आप क्वेश्चन वन के अंदर कौन सा टर्म यूज हुआ था, क्वेश्चन टू के अंदर कौन सा टर्म यूज हुआ था, तो आप उस लाइन को काफ़ी अच्छे से पढ़िए और उसके बाद उन क्वेश्चंस को आंसर कीजिए। आप काफ़ी जल्दी और काफ़ी ईजिली आंसर कर पाएंगे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस को। चलिए नेक्स्ट यूनिट देखते हैं जो कि है आपका कम्युनिकेशन। सो देखिए अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें सो यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी जनरल होते हैं, वो आप कहीं से भी पढ़ेंगे तो वहाँ से कवर नहीं होंगे, तो उसका आंसर आपको जनरल सेंस में देना है, आपकी कॉमन सेंस यूज करनी है उसके अंदर। नाउ अभी पहले हम ये देख लेते हैं कि जो जून 2019 में एग्जाम कंडक्ट हुआ है बेसिकली उसके अंदर कम्युनिकेशन से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। सो देखिए कम्युनिकेशन से जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज मोस्टली मैकेनिकल, ऑर्गेनिक, अनस्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड। सो बेसिकली यहाँ से आपसे पूछा गया टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के क्वेश्चन से पूछा गया आपसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सो आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़िए अच्छे से, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, आप इसके बारे में अच्छे से पढ़िए, इसको प्रिपेयर करके चाहिए, आप इसके आंसर काफ़ी ईजिली कर पाएंगे। चलिए अगले यूनिट पर आते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। सो बेसिकली मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के लिए आप अपने मैथ्स के पोर्शन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। देखिए ये जो यूनिट है बेसिकली कुछ स्टूडेंट्स को ये काफ़ी डिफिकल्ट लगती है बट कुछ स्टूडेंट्स को ये काफ़ी ईजी भी लगती है। सो ऐसा क्यों होता है, बेसिकली जो स्टूडेंट्स मैथमेटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उनको ये यूनिट्स काफ़ी ईजी लगती है, बट जो स्टूडेंट नॉन मैथ बैकग्राउंड से हैं उनको यूनिट काफ़ी डिफिकल्ट लगती है। सो उसके लिए आप देखिए ये RS अग्रवाल की बुक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, आप इस बुक को यूज कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है ये और इसके अंदर काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। सो आप इस बुक को अगर रेफर करते हैं सो आप काफ़ी अच्छे से अपने मैथमेटिकल स्किल्स को डेवलप कर पाएंगे। बाकी बुक्स के बारे में भी हम अभी डिस्कस करेंगे। नाउ आगे चलते हैं, अगला है आपका लॉजिकल रीजनिंग। सो देखिए लॉजिकल रीजनिंग के अंदर एक मेजर चेंज लेके आया गया है। देखिए बेसिकली जो जून 2019 में इसके अंदर एक यूनिट ऐड कर दी गई है इंडियन लॉजिक। सो इंडियन लॉजिक के अंदर आपके प्रमाणास आ जाते हैं जिसके अंदर आपके अनुमान हो गया, अर्थपट्टी हो गया, सो इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो हमने जब जून 2019 के पेपर को एनालाइज किया तो हमने ये देखा कि बेसिकली इस यूनिट से एक से दो क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर पूछे गए हैं। सो आप इस टॉपिक को काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। अपार्ट फ्रॉम दिस देखिए इसके अंदर आपके सिलॉगिज्म के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखिए इस बार बेसिकली NTA ने थोड़ा सा इस एग्जाम को डिफिकल्ट बनाने के लिए आपसे सिटिंग अरेंजमेंट के भी क्वेश्चंस पूछे हैं। सो देखिए आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा NTA यहाँ पे लेवल को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। चलिए अगले पे आते हैं, आपकी जो नेक्स्ट यूनिट है दैट इज डेटा इंटरप्रिटेशन। सो देखिए डेटा इंटरप्रिटेशन एंड मैथमेटिकल रीजनिंग इन दोनों यूनिट्स के लिए आप RS अग्रवाल की बुक्स को रेफर कीजिए। इसके अंदर अगर आप इस बुक को काफ़ी अच्छे से कवर करते हैं सो आपका जो मैथमेटिकल पोर्शन है जो बेसिकली जो स्टूडेंट्स नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं जिनको मैथ्स काफ़ी ज़्यादा टफ लगती है उनके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा इस पोर्शन को अटैम्प्ट करना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो अगर हम इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करें सो बेसिकली यहाँ पे एब्रीवेशंस आपसे काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं। सो एब्रीवेशंस में आपसे पूछ लिया जाता है कि WWW, WWW की फुल फॉर्म्स बताइए, मॉडेम की फुल फॉर्म बताइए, सो इन सबसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस काफ़ी पूछ लिए जाते हैं। नाउ देखिए जो जून 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है वो कुछ इस टाइप का था ICT का। देखिए Which of the following is generally associated with the domain name of educational institution? So basically आपको पता होगा कि जो भी वेबसाइट होती है बेसिकली उसके अंदर एक डोमेन नेम होता है। सो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनका डोमेन नेम कैसा होता है? सो इसके पास जो आपके पास ऑप्शन है दैट इज .org, .edu, .inst एंड .com। सो इसका आंसर आप हमें कमेंट में करके बताइए, हम उसका रिप्लाई करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं,
अगर हम बात करें यूनिट नंबर 9 दैट इज पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट की, सो बेसिकली आप इस यूनिट को बेसिकली एनवायरनमेंट यूनिट भी बोल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे सारे क्वेश्चन या मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड पूछे जाते हैं। अब देखिए जो एनवायरनमेंट है बेसिकली यहाँ पे आपके दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, स्टैटिक एंड करंट। सो बेसिकली जो आपका स्टैटिक पोर्शन है बेसिकली इसमें ये पूछा जाता है कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड कौन कौन से टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट्स हैं, कौन कौन से मरीन पॉल्यूटेंट हैं, कौन से एयर पॉल्यूटेंट हैं, सो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर हम करंट की बात करें सो इसमें करंट के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखिए करंट से अगर हम बात करें तो इसमें ये पूछ लिया जाता है कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल और नेशनल लेवल का कहाँ पे हुआ था, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं हायर एजुकेशन सिस्टम। सो बेसिकली अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें सो यहाँ पे भी दो टाइप के क्वेश्चंस की कैटेगरीज हैं, दैट इज स्टैटिक एंड करंट। सो अगर हम स्टैटिक पोर्शन की बात करें सो यहाँ पे आपके हायर एजुकेशन का स्ट्रक्चर कैसा है इंडिया के अंदर, सो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। रेगुलेटरी बॉडीज़ क्या हैं, वो कैसे कैसे रेगुलेट करती हैं, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। नाउ अगर हम करंट की बात करें सो गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम्स हैं हायर एजुकेशन से रिलेटेड, सो उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। सो अगर हम जून 2019 की बात करें सो यहाँ पे आपसे उन्नत भारत अभियान के ऑब्जेक्टिव्स दैट इज एम्स के बारे में पूछा गया है, सो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछ ले जाते हैं। अब देखिए जो उन्नत भारत अभियान है ये बेसिकली 2014 में लॉन्च किया गया था, बट देखिए यहाँ पे ये करंट का क्वेश्चन नहीं बनता है बिकॉज ये 4 ईयर पहले लॉन्च हुआ था। बट देखिए ये क्वेश्चन इसके अंदर क्यों कवर किया गया, बिकॉज 2018 के अंदर उन्नत भारत अभियान 2 लॉन्च कर दिया गया। सो बेसिकली यहाँ पे देखिए आज एक पुराने स्कीम का नया वर्जन लॉन्च किया गया है, सो ये करंट का पोर्शन में आपसे पूछ लिया गया है। सो इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपसे काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, सो आप उनको काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। नाउ अगर हम बात करें अब हम बात करते हैं आप इस करंट अफेयर्स हायर एजुकेशन से रिलेटेड करंट अफेयर्स को कैसे फॉलो कर सकते हैं। सो देखिए आप इसके लिए रेगुलरली न्यूज़पेपर को फॉलो कीजिए, आप यूजीसी की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, और आप देखिए जो न्यूज़पेपर का पोर्शन होता है उसके अंदर जो बेसिकली एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं आप उससे अवेयर रहिए, सो आप इस पोर्शन को काफ़ी अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे। सो अगर हम यूजीसी नेट में जो करंट अफेयर्स का जो पोर्शन आ रहा है अगर हम उसकी बात करें सो उसमें एनवायरमेंट से रिलेटेड एंड हायर एजुकेशन से रिलेटेड इन दोनों यूनिट से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे कि बेसिकली आप कौन कौन सी बुक्स को रेफर कर सकते हैं, कौन कौन से यूनिट्स के लिए आपकी कौन कौन सी बुक्स बेस्ट है। आपके पास बेसिकली ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन के हरप्रीत कौर की बुक अवेलेबल है, सो ये भी काफी अच्छी बुक है। नाउ केवीएस मदान जो बेसिकली अमेजोन पे बेस्ट सेलर बुक है ये भी अवेलेबल है आपके पास। ट्रूमैन बेसिकली आप देख सकते हैं ये ट्रूमैन काफ़ी पॉपुलर बुक है, बट यहाँ पे इसके अंदर देखा जाए तो कुछ पोर्शन इसके अंदर अच्छा है बट कुछ पोर्शन काफ़ी अच्छा नहीं है इसके अंदर। सो हम हर एक बुक्स के अंदर कौन कौन से यूनिट्स काफ़ी अच्छे से कवर किए गए हैं, कौन कौन से यूनिट्स इसके अंदर ज़्यादा अच्छे से नहीं है, तो आप उसके लिए दूसरा मटेरियल यूज कीजिए। सो हम इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। नाउ देखिए अगर हम टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें, टीचिंग रिसर्च एंड कम्युनिकेशन इन तीनों के लिए आप केवीएस मदान की बुक यूज कीजिए। बेसिकली इसके अंदर टीचिंग और रिसर्च के काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस प्रिपेयर किए गए हैं, सो इसके लिए आप इसको रेफर कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी बुक है टीचिंग एंड रिसर्च के लिए। नाउ अगर हम बात करें डेटा इंटरप्रिटेशन एंड मैथमेटिकल रीजनिंग की, सो उसके लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि आप यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाई RS अग्रवाल की बुक यूज कर सकते हैं, सो ये काफ़ी अच्छी बुक है आप इसको यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करें सो ये ट्रूमैन में काफ़ी अच्छे से कवर है, ट्रूमैन को आप रेफर कीजिए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए। पीपल एंड एनवायरनमेंट, सो बेसिकली पीपल एंड एनवायरनमेंट के लिए मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे दो पोर्शन है, सो पहला पार्ट है आपका स्टैटिक पोर्शन एंड सेकंड है आपका करंट अफेयर्स का। सो करंट अफेयर्स के लिए आप रेगुलर न्यूज़पेपर को फॉलो कीजिए, और जो आपका स्टैटिक पोर्शन है बेसिकली पीपल एंड एनवायरनमेंट के लिए सो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं हरप्रीत कौर की बुक, ये काफ़ी अच्छी बुक है, इसके अंदर काफ़ी अच्छे और काफ़ी ईजी वे में समझाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, सो बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग के अंदर काफ़ी बड़ा चेंज आया है इंडियन लॉजिक को लेकर। सो इंडियन लॉजिक आपको जिस जगह से काफ़ी अच्छे से समझ आता है आप उसको रेफर कीजिए। देखिए ये बेसिकली इंडियन लॉजिक है, ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग इसके अंदर टर्म्स है, अर्थपट्टी क्या होता है, अनुमान क्या होते हैं, सो इसके लिए आप ऑनलाइन सोर्सेस भी यूज कर सकते हैं। आप इसके लिए जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स इनके अंदर देखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, बिकॉज देखिए यहाँ पे आप इसकी डेफिनेशन देखिए इसका आंसर नहीं कर सकते हैं, जो
जून 2019 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके अंदर ये देखा गया कि बेसिकली उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है और उसमें पूछा गया कि किस टाइप का लॉजिक है इंडियन लॉजिक। सो इसके लिए आपको काफ़ी अच्छे से एग्जाम्पल्स प्रिपेयर करने होंगे और किसी भी एक पर्टिकुलर बुक के अंदर इतने ज़्यादा एग्जाम्पल्स कवर नहीं है, सो आप इसीलिए ऑनलाइन सोर्स को यूज कीजिए। चलिए आगे बात करते हैं हायर एजुकेशन की। सो हायर एजुकेशन के लिए जैसे मैंने बताया आपको कि यहाँ पे बेसिकली दो पार्ट हैं, स्टैटिक पार्ट एंड करंट पार्ट। सो स्टैटिक पार्ट के लिए अगेन हरप्रीत कौर की बुक काफ़ी अच्छी है, इसके अंदर काफ़ी इजी वे में समझाया गया है। और जो आपका करंट अफेयर्स का पार्ट है बेसिकली आप इसको न्यूज़पेपर को रेगुलरली फॉलो करके कवर कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल। नाउ अब हम कुछ बात कर लेते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, टीचिंग एप्टीट्यूड से, रिसर्च एप्टीट्यूड से, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से, पीपल एनवायरनमेंट से। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम एक बार देख लेते हैं। देखिए हमारे पास जो जून 2019 के पेपर्स अवेलेबल हैं हमने उनको एनालाइज किया। सो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन रिसर्च एप्टीट्यूड से आपसे पूछा गया है। सो आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे आपसे टाइप ऑफ रिसर्च से पूछा गया क्वेश्चन। सो टाइप ऑफ रिसर्च आपसे यहाँ से पूछा गया एक्सपेरिमेंटल, एक्स पोस्ट फैक्टो, एथनोग्राफिक और सर्वे रिसर्च। सो इसमें टाइप ऑफ रिसर्च के आपसे देख सकते हैं आप क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर हम टीचिंग की बात करें सो टीचिंग में आपसे पूछा गया कि किस मेथड के थ्रू जो टीचर है बेसिकली अपने जो लेसन्स को लाइव बना सकता है, लाइव इंटरेक्टिव बना सकता है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए रिसर्च एप्टीट्यूड का एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे सैम्पलिंग से। सो सैम्पलिंग में आपसे पूछा गया बेसिकली कि ये जो स्नोबॉल सैम्पलिंग है ये किस टाइप की सैम्पलिंग है, नेटवर्क है, ग्रुप है, स्नोबॉल है या कंप्यूटर प्रोग्राम्स। सो बेसिकली ये आपके देख सकते हैं आपके सैम्पलिंग से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, टाइप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, टीचिंग से क्वेश्चन देखिए आप देख सकते हैं कि जनरल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए आप ये टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बेसिकली आप इस क्वेश्चन को आप देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप इसको किसी भी बुक से कवर करेंगे ये कहीं भी कवर नहीं होगा, ये एक जनरल क्वेश्चन है, ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, आप इसको कॉमन सेंस के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ आगे देखते हैं कम्युनिकेशन में आपसे पूछा गया अगेन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। चलिए हायर एजुकेशन से रिलेटेड आपसे पूछा गया उन्नत भारत स्कीम के बारे में। देखिए जो आपका जो पीपल एंड एनवायरनमेंट है यहाँ पे आपसे टाइप ऑफ पोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। सो आपका CFC, कार्बन मोनोक्साइड, हाइड्रोकार्बन या पार्टिकुलेट मैटर, बेसिकली ये किस टाइप के पोल्यूटेंट है इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे इन्वायरमेंट से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा सकते हैं। सो देखिए काफ़ी ज़्यादा रिसेंटली न्यूज़ में था PM 2.5 काफ़ी ज़्यादा हो चुका है दिल्ली के अंदर, बेसिकली दिल्ली NCR का जो रीजन है यहाँ पे इन्वायरमेंट पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, एयर की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी है, यहाँ पे PM 2.5 काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। सो यहाँ पे बेसिकली आपसे पूछ लिया गया कि PM 2.5 जो है यहाँ पे जो 2.5 का इसका मतलब बताइए। सो देखिए आप देख सकते हैं कि जो करंट का पोर्शन है आप उसको कैसे आप अगर आप उसको डेप्थ में स्टडी कर रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो देखिए यहाँ पे अगेन जो आपका ये ICT से क्वेश्चन पूछा गया है कि आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के डोमेन नेम के बारे में बताइए। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे। सो इस टाइप के क्वेश्चंस कुछ पूछे जा रहे हैं एग्जाम के अंदर, सो आप इनको फॉलो कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया कि आप कौन कौन से टॉपिक्स के लिए कौन कौन सी बुक्स को यूज कर सकते हैं और कौन कौन सी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं। नाउ अपार्ट फ्रॉम दीज बुक्स आप आई वुड रिकमेंड कि आप कोई और बुक को रेफर ना कीजिए बिकॉज बाकी बुक्स के अंदर इतना ज़्यादा अच्छा मटेरियल नहीं है। आप ट्रूमैन यूज कर सकते हैं, आप KBS मदान की बुक यूज कर सकते हैं, आप हरप्रीत कौर की बुक यूज कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक्स हैं मार्केट के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दिस आप कोई और बुक यूज ना कीजिए और आप न्यूज़पेपर को फॉलो कीजिए फॉर एनवायरमेंट एंड हायर एजुकेशन। सो इससे रिलेटेड आपसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप इनको भी कर सकते हैं। नाउ पेपर वन के अंदर ये भी देखा गया है कि बेसिकली यहाँ पे जनरल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं बेसिकली जो कॉमन सेंस के थ्रू ही सॉल्व किए जा सकते हैं। सो आप अपने आप को रिफ्रेश रखिए, वहाँ पर फ्री माइंड होकर सोचिए, सो आप क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो। हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर वन के लिए प्रोवाइड किए हैं, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अटेम्प्ट करके आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि उस 20 क्वेश्चंस के अंदर से आप कितने क्वेश्चंस को करेक्टली आंसर कर पाए हैं, आप कमेंट में करके बताइए। अगर आपको UGC नेट से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसकी वीडियो आपको रेगुलरली प्रोवाइड कर देंगे। नाउ अगर आपको कॉमर्स मैनेजमेंट एंड HR का कंप्लीट कोर्स पैक परचेस करना है तो आप वो भी हमारी वेबसाइट के थ्रू परचेस कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे गिवन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच।